अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हम सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू पराठा बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ इन टू वेज। और यहाँ पे मैंने लिए थे सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू को ना अच्छी तरह से वॉश करके और कट करके इस तरह से रखा है। और ये सुबह सुबह का टाइम था, मैं लीजा को स्कूल से छोड़ के आई थी और यहाँ पर मैंने आलू रख दी थी बॉयल होने के लिए। साथ लिया मैंने जी आटा, एक कप मैंने लिया है आटा और एक कप मैंने लिया है मैदा। तो इस तरह से मैंने छाननी में लाया, लेकिन इसको छान लेना है। पहले मैंने आटा छान लिया है, अब मैं इसमें मैदा डालूंगी। मैदे को मैंने इस तरह से स्टोरेज बॉक्स में पहले से डाल के रखा हुआ है। तो 1 कप जो है ना आपने लेना है मैदा, आपने इसको नाप के लेना है। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ 1 कप के हिसाब से, लेकिन आपने दोनों को ना इक्वल वेट में लेना है। आप सिर्फ मैदे के भी बना सकते हैं पराठे और सिर्फ आटे के भी बना सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि इसमें मैदा ज़रूरी हो। अच्छा, उसके बाद आटा जो था ना, आटा और मैदा, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया आटा गूंदने वाली मशीन में। और आटा गूंदने वाली मशीन में गूंदना भी ज़रूरी नहीं, आप हाथ से भी आराम से इसकी डो बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसको मशीन में डाल दिया, मैं इसको गूंद लूँगी। सिर्फ मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और ये देखें अच्छा सा ये गूंदा जा रहा है। और फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको बताती हूँ कि कैसी बन जाएगी। तो इससे काम थोड़ा सा ईजी क्विक हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया मशीन में। और यहाँ पर देखें कितना अच्छा सा नरम सा इस तरह से आपने आटा गूंदना है। यहाँ पर मेरे पास था देसी घी, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा के इसको मैं रेस्ट के लिए दे दूँगी थोड़ी देर के लिए। आलमोस्ट आपने इसको 10 to 15 minutes का रेस्ट देना है। और इतनी देर में आलू भी हमारे डन हो जाएंगे और उसके बाद जो है ना पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें आलू अच्छे से बॉयल हो चुके थे, मैंने इसको अच्छे तरह से मैश कर लिया है। 1 tablespoon मैंने इसमें नमक डाला है और 1 tablespoon मैंने इसमें, 1/2 tablespoon मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला है और थोड़ी सी ना मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, ऑलमोस्ट 1 चुटकी आप कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें देखें 7 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके रखी हुई हैं और सब्ज़ धनिया, ऑलमोस्ट 2 tablespoon सब्ज़ धनिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें छोटे साइज़ की मैंने इस तरह से चॉप करके रखी हैं। इस तरह से आपने मिक्स करके अच्छा से इसका मिक्सर बना लेना है। और इतने मज़े की खुशबू इसी मिक्सर में से आ रही है और बहुत ही मज़ेदार से ना आलू के पराठे बनेंगे। अच्छा, कोई आलू वगैरह का सालन बना हुआ अगर आपका हो, मतलब लेफ्ट ओवर, तो उसके साथ भी आप बना सकते हैं। तो बहुत ईजी क्विक रेसिपीज़ ही आपकी बन जाती हैं। तो अच्छा, यहाँ पे अब मैंने पेड़े बनाने हैं। 2 ways मतलब 2 methods से मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आप पराठे किस तरह से बना सकते हैं। तो एक में मैंने अंदर फिलिंग वाला बनाना है और दूसरा जो है ना वो मैंने सिंपल प्लेन पराठा बनाना है। तो आप कोई भी रेसिपी जो है ना इसमें से क्लिक कर सकते हैं, दोनों बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर ना पेड़े मैंने थोड़े से जो अंदर फिलिंग वाले थोड़े से बड़े साइज़ के ले लिए थे, आप इसे छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें पहले मैंने थोड़े से जो है ना इनको इस तरह से फैलाना है और इसके ऊपर आपने ना फिर उसके बाद आपने लेयरिंग करनी है। इस तरह से आप पतला पतला सा बेल लें। और मैंने दोनों रोटियों का ना एक साथ पहले बेल के रख लिया था, उसके बाद ना मैंने इसके ऊपर फिलिंग अप्लाई की थी क्योंकि फिर आसानी हो जाएगी। मैं फिर फटाफट से ना सिर्फ इसके ऊपर उसकी दूसरी लेयर रखूँगी और उसको फिर दोबारा से बेल लूँगी। तो एक जो मैंने रोटी बेली है उसको मैंने साइड पे कर दिया है, अब दूसरी वाली रोटी को मैं इस तरह से बेलूँगी। आपने ऑलमोस्ट जो है ना अच्छी तरह से उसको बेल लेना है, किनारों से अच्छा सा पतला सा कर लेना है ताकि जो है ना इवनली आपकी जो है पराठा वो बेला हुआ हो। तो यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर फिलिंग आपने सारी की सारी अप्लाई करनी है, जो इसकी सारी साइड्स जो है ना किनारे उसको छोड़ के आपने इसके ऊपर फिलिंग लगा देनी है। अब यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने इसकी फिलिंग इसके अंदर करनी है और इतनी प्यारी सी, इतनी खुशबूदार सी ये फिलिंग बनी है और बिल्कुल फ्रेश बनाई हुई है, तो बहुत ही मज़े की ये बनी है। तो इस तरह से आपने फिलिंग लगानी है, इस तरह से सिर्फ जो इसके साइड्स है ना किनारे वो छोड़ के आपने इसके अंदर फिलिंग कर देनी है और इस तरह से प्रेस करके करनी है, मतलब कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो, बिल्कुल प्रेस करके इसके साथ आपने फिलिंग इसकी लगानी है। और इस तरह से देखें आपने इसकी साइड्स जो है ना वो अच्छे से कर लेनी है बंद, और ये जो है ना इस तरह से हो जाएगी आपकी फिलिंग कम्प्लीट, ये चीज़ बनेगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से फिर दोबारा से बेल लेना है, बहुत अच्छा सा आपने इसको बेल लेना है ताकि जो सारे का सारा जो है ना साइड्स इसके अगेन से इवन हो जाए। और दरमियान वाला जो पोर्शन है ना उसको आपने स्लोली से करना है, ये ना हो कि वो दरमियान से भी ज़्यादा फट जाए। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो थोड़ा सा रैप्चर हो सकता है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा आपने प्रेस कर करके दरमियान से नहीं करना है, इस तरह से साइड से करें और दरमियान से हल्के हाथ से कर लें। तो आप इसको ना फ्लोर के ऊपर रख के, मतलब मार्बल फ्लोर के ऊपर रख के भी कर सकते हैं, जो शेल्फ है उसके ऊपर भी, तो मैं बेलन के ऊपर ही करी थी। तो इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से बेलने के बाद आपने सारी साइड इसकी पतली करनी है। उसके बाद मैं इसको तवे पे डालूँगी। पहले मैंने इसको ऐसे ही प्लेन थोड़ा सा घी लगा के किया था और उसके बाद मैं इसको अच्छे से कर लूँगी फ्राई। अच्छा, उसके बाद मैंने पहले वाला जो है ना वो उसको डाल दिया है तवे के ऊपर। अभी मैं आपको उसकी फाइनल लुक चेक कराती हूँ कि किस तरह से बना है। सेकेंड वे में आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने रोटी बेलनी है।
अच्छी से बेल लेनी है, मतलब उसमें कोई दरमियान में जो है ना मोटा पतला वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने बेल लेनी है और सारी फिलिंग जो है ना इस तरह से आपने इसके दरमियान में रख देनी है, और इस तरह से करके आपने इसको ऊपर से फोल्ड करना है, और इस तरह से आपने अच्छा सा दोबारा से उसका पेड़ा बनाना है, और पेड़ा बनाने के बाद जो ऊपर से एक्स्ट्रा होगा ना उसको आपने अगेन रिमूव कर देना है। इस तरह से आप उसको हटा दें, अच्छा सा उसका पेड़ा बना लें, और उसके बाद आपने बिल्कुल उसी तरह से रोटी आपने दोबारा से बेल लेनी है। ये वाला पराठा जो था ना ये उससे भी ज़्यादा मज़े का बनेगा, क्योंकि इसमें जो है ना जो फिलिंग है वो बहुत अच्छी सी आई है। तो आपको जो भी वे अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फट रहा है ना उसमें यही है कि आपके पास जो आटा है वो कम है या फिलिंग इसमें अच्छी है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। लेकिन ये कि इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली से हाथ से इसको करना है, और ये देखिए कितना मज़ेदार सा ये बेला गया है। और अब मैं इसको डाल दूँगी तवे पे। दूसरा वाला पराठा जो है मेरा बिल्कुल हो चुका था रेडी, और साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी। तो नाश्ता जो था ना आज मैंने नाश्ते से शुरू किया अपने व्लॉग को, तो यहाँ पर चाय मैं बना रही थी। पहले वाला पराठा देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है डन, और सेकेंड वाला पराठा जो है अब मैं इस पर डाल दूँगी। घी में साथ साथ इसके साथ लगा रही थी, देसी घी के साथ मैंने बनाए हैं पराठे, और चाय देखें मज़ेदार सी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। उसके बाद मैंने दूसरे वाला पराठा डाल दिया अब, और ये देखें पहले वाला जो पराठा वो बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। अब मैं इसके बाद दूसरा वाला पराठा यहाँ पर डाल दिया, और ये देखें इसकी जब एक साइड अच्छे से सीकी गई है तो उसको मैंने चेंज कर दिया है, पलट दिया है इसकी, और उसके बाद मैं इसके ऊपर घी अप्लाई करूँगी। इसी तरह से हाथों के साथ ही मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि स्पून के साथ ना कभी कहीं पे लग जाता है कहीं पे नहीं भी लगता, तो उस तरह से मैं हाथों से अच्छे से अप्लाई करी थी, और बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा ये देखें क्रिस्पी सा पराठा हो गया रेडी। अच्छा मैदा डालने से क्या होता है ना, आपके पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं, आटे से इतने अच्छे क्रिस्पी नहीं बनते हैं। अगर घर का आटा हो तो फिर तो बहुत अच्छे क्रिस्पी बन जाएंगे, लेकिन मैदा डालने से अच्छे क्रिस्पी पराठे बन जाते हैं। तो ये देखें जी टू वेव्स पराठा हमारे बिल्कुल रेडी हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसे लगी। अच्छा उसके बाद ये सॉल्ट का पैकेट था, तो ये फूड ग्रेड मटेरियल है, मतलब इसके अंदर अच्छी सी कोटिंग हुई हुई है। तो अब ये नमक जो है ना ख़त्म हो गया था, तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था अदरक लहसुन का वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बड़ी अच्छी है इसकी जिप लॉक भी, और फूड ग्रेड क्वालिटी का है, तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और इस तरह से आपने सारे के सारे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर देना है, और उसके बाद जो है ना मैं इसको कर लूँगी प्रिजर्व। तो ये जो है ना काम यहाँ पे मेरा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा आज लॉन्ड्री डे था, तो खाना जो था ना वो कल वाला ही हमने, मतलब मैंने रात को ही बनाया था, तो रात का खाना सुबह खाना था, तो खाने वाला काम तो था नहीं, तो मैंने ये थोड़े से एक्स्ट्रा काम साथ कर लिए थे। और उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे, तो कपड़े जो थे वो भी मौसम जो है इस तरह का हो गया, इतने जल्दी ड्राई भी नहीं हुए, और मैंने जो छत पे डाले थे तो बारिश शुरू हो गई, वो भी मुझे उतार के लाने पड़े। तो ये है कि कपड़े संभालने वाला काम इंशाल्लाह होगा नेक्स्ट डे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जिप लॉक कर लिया, बड़े अच्छे से ये सील हो गए हैं, और इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं कर लूँगी स्टोर। अच्छा उसके बाद ये शॉपिंग बैग्स वगैरह जो होते हैं ये बड़े साइज़ के जो मेरे पास आते हैं मैं उनको भी स्टोर कर लेती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों में ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाते हैं, और इनके यूज़ भी मैं आपको शो करूँगी कि मैं इनको कैसे कैसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो चुकी थी, कुछ कपड़े जो थे ना वो ड्राई, मतलब जो ऊपर से मैं छत से लेके आई थी वो भी यहीं पे मैंने रखे हुए हैं बेड के ऊपर, देख सकते हैं आप, और ये कुछ चेयर्स के ऊपर भी हैं। तो एवरीवेयर फ़िलहाल कपड़ा ही कपड़ा है, मैं इनको जब अब संभालूंगी तो तभी ये अपनी जगह पे जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बनाई थी जी चाय, ये था शाम का टाइम, और यहाँ पे मैं चाय पीने लगी थी, और उसके साथ मैंने लिया है एक बिस्किट, और ये देखें अलीज़ा के टॉयज़, और ये मोस्टली जो है ना टेबल के ऊपर ही खेरी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसने फैला के रखी हुई हैं। और इस तरह से ना स्टोरेज बॉक्सेस में मैं डाल देती हूँ बिस्किट्स, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। उनको मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ कि बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा, वरना ना बिस्किट्स जो है ना वो नरम पड़ जाते हैं अगर आप उनको स्टोरेज बॉक्सेस के अलावा रखें। तो ये बिल्कुल उसी तरह से क्रिस्पी था। तो यहीं पे करूँगी मैं अपनी वीलॉग को भी एंड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं अपनी चाय इंजॉय करी थी, यहीं पे मैं करूँगी अपने वीलॉग को भी एंड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।